with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com। लोजपा की बढ़ती ताकत को देखकर रालोसपा घबराकर जदयू में विलीन हो चुकी है। रालोसपा के जदयू में विलय होने से जदयू का जनाधार में वृद्धि नहीं होगा। दिन प्रतिदिन जदयू का जनाधार इस प्रकार घटता जा रहा है कि आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार की जदयू विलीन हो जाएगी। उक्त बातें लोक जनशक्ति पार्टी नालंदा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू ने संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि चंद नेताओं को सियासी लोकसभा का लालच सब्ज बाग दिखकर समझते हैं कि हम मजबूत हो गए हैं, तो यह भरम पालना मुख्यमंत्री छोड़ दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तथा इनकी पार्टी को जनता पूरी तरह नकार चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जो भी इनके नाव पर सवारी करेंगे उनका डूबना तो तय है। यह विलय विलीन का मार्ग प्रशस्त करता है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार घबरा गए हैं। चाहे लाख कोशिश कर ले, ईश्वर चिराग पासवान के सिकंजे से छुटकारा पाना नामुमकिन है। पूर्व विधानसभा के चुनाव में तो यह सिर्फ शंखनाद था, महासंग्राम आने वाले चुनाव में होगा और नीतीश कुमार का वजूद समाप्त हो जाएगा। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होना तय है। लोजपा की बढ़ती हुई ताकत से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घबरा गए हैं और माननीय उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी जदयू में विलय कर गए हैं। तो यह जो विलय हुआ है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में यह जो मार्ग प्रशस्त करता है वो विलीन होने का मार्ग प्रशस्त करता है। आने वाले चुनावों में जदयू पार्टी विलीन हो जाएगी, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि दोनों मिल गए हैं तो ताकतवर हो गए हैं। जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है और हर हाल में बिहार की जनता बिहार में अमन चैन शांति चाहती है। इसके लिए